गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ एक हेयर कलर का रिव्यू करने वाली हूँ, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी लाइक भी कर देना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग को मेरा ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा। सॉरी नॉट मेकअप लुक, ये प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा लगा। मैं बोलते बोलते बोल गई, अभी मैंने ये वाला मेकअप लुक किया हुआ है और आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और अगर आप लोग को पसंद आएगा प्लीज़ जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा ये वाला मेकअप लुक। एंड चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अभी अपने रिव्यू को। तो गाइज मैं आज आप लोग के साथ हेयर कलर का रिव्यू करने वाली हूँ। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, कैमरा कैप्चर भी नहीं कर पा रहा है, आप लोग देख सकते हो इस तरह की इसकी आउटर पैकेजिंग है जो कि कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है। एंड ये एक अलग प्रोडक्ट है गाइज, मैं इसलिए इसका रिव्यू वैसे तो मैं कर नहीं रही थी, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे व्यूवर्स को, पर्सनली मेरे व्यूवर्स को पसंद है कि मैं अलग अलग चीज़ों की रिव्यू दिखाऊँ, जिसके लाइक जो थोड़ा कम चलता हो, लाइक अलग अलग चीज़ों की रिव्यू दिखाऊँ, समझ रहे हो आप लोग। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गाइज रिव्यू। तो ये है केराग्रेन हर्बल प्लस शैम्पू हेयर कलर कंडीशनर है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है बड़े बड़े अक्षरों में, ओके। एंड ये बालों को चमकदार बनाता है, लंबे समय तक चलने वाला, 100% ग्रे कवरेज, कोई अमोनिया नहीं है इसमें, ओके। सो गाइज इस तरह का इसमें मेंशन है, एंड इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, एंड इस पर भी कहीं मेंशन नहीं है, और मैं देख लेती हूँ। 50 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं है गाइज। मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया था, वैसे केराग्रेन का अपना www.keragrain.com अपना इनका वेबसाइट है जहाँ से जाके आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। तो मैंने भी इसको ऑनलाइन लिया था, अपने लिए नहीं अपने मम्मा के लिए लिया था, ओके। तो गाइज ये है केराग्रेन शैम्पू जो कि हर्बल है, हेयर कलर कंडीशनर है, चमकदार बाल लंबे समय तक करता है, और 100% वाइट हेयर को ब्लैक करता है, एंड इसमें कोई भी अमोनिया ऐड नहीं है, ओके। एंड ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, आप लोग देख सकते हो, आप लोग को काफ़ी पसंद आता है मेरा अलग अलग तरह का रिव्यू, इसलिए मैं आज इस प्रोडक्ट का रिव्यू देना पसंद करूँ। आप लोग देख सकते हो इसकी पैकेजिंग देख के, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। वीडियो में लाने के कारण मैंने इसकी थोड़ी सी साफ सफाई भी कर दी है, नहीं तो रखे रखे, समझ रहे हो आप लोग, नॉट रखे रखे यूज़ तो बार बार होता है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी इसकी पैकेजिंग ख़राब हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये प्रोडक्ट मेरी मम्मा यूज़ कर रही है, ओके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ गाइज इसका फुल रिव्यू। तो गाइज इसके बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, आप लोग देख सकते हो, तो मैं अभी थोड़ा बहुत आप लोग को पढ़ के सुनाऊंगी जो मेन पार्ट है। तो गाइज केराग्रेन हर्बल प्लस ब्लैक हेयर कलर शैम्पू एक ऐसा सर्वगुण संपन्न उत्पादक है जो बालों की चमत्कार प्राकृतिक काला रंग प्रदान करने के साथ साथ उन्हें प्राकृतिक अर्क व विटामिन से पोषित करता है तथा रेशम जैसे मुलायम बाल बनाता है। यहाँ पे मैंने हिंदी में पढ़ी, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये इंग्लिश में भी एवरीथिंग मेंशन है, जिसको हिंदी नहीं आती वो पढ़ सकती है, मुझे इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी आती है इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ना पसंद कर रही हूँ। यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हो, ओके। तो गाइज यहाँ पे इस्तेमाल करने का तरीका भी लिखा हुआ है, इस्तेमाल कैसे करें, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज, ओके। सो गाइज बोतल पर दो, मैं आप लोगों को पहले अंदर से पैकेजिंग दिखा देती हूँ, तभी आप लोग को समझ में आएगी इसका फुल रिव्यू, आप लोग देख सकते हो इस तरह का। एंड इसका व्हाट्सअप नंबर भी है गाइज, उत्पादक के उपयोग की विधि जानने के लिए मिस कॉल करें, यहाँ पे नंबर भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हो। एंड आप लोग देख सकते हो गाइज इस तरह की इसकी अंदर से पैकेजिंग है, आप लोग को मैंने पहले ही बोला कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ होता है इसलिए थोड़ा गंदा हो गया है, और मैंने इसको धोने की कोशिश की, इससे धोके इससे पोछा भी, आप लोग देख सकते हो ये अब जम चुका है इस तरह का ब्लैक, सो इसलिए ऐसा दिख रहा है। बट मैंने वीडियो में लाने से पहले इसको धोधा किया था ताकि थोड़ा सा क्लीन हो जाए, बट काफ़ी पुराना हो गया तो ऐसा हो गया, तो प्लीज़ कोई बुरा कॉमेंट मत कर देना यार। तो यहाँ पर भी मैंशन है कि पहले आप लोग इसको पैकेजिंग देख लो, इस तरह की इसकी पैकेजिंग है ब्लैक कलर में, एंड यहाँ पे दो पंप मिलते हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो एक ये, एंड इसको इस तरह से प्रेस करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, तो इस तरह से जब इसको प्रेस करते हैं गाइस तो इसमें से दो कलर निकलता है, मैं अभी एक ही कलर निकाल पाएंगे, मैं अच्छे से आप लोगों को दिखा देती हूँ, वेट अ मिनट। यहाँ पे ये जो पंप है तो इससे दो कलर निकलता है, यहाँ पे देख सकते हो दोनों से कलर आया अभी। तो गाइज मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, बट मैंने इतना दिखा दिया आप लोग के रिव्यू के लिए, एंड मेरे हाथ पे भी थोड़ा सा गिर गया था, मैंने अभी रिमूव कर लिया, ओके। तो ये दोनों पंप से निकलती है गाइज, दो हल्का दोनों कलर में हल्का सा चेंजिंग होता है, वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी बट बताऊंगी मैं पूरा इसके बारे में, ओके, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये हेयर कलर एंड शैम्पू है जो नेचुरली ब्लैक करता है हमारे हेयर को, शैम्पू हेयर कलर कंडीशनर है, ओके। एंड
यहाँ पे लिखा है शाइनी हेयर लॉन्ग लास्टिंग 100% ग्रे कवरेज नो अमोनिया एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी 180 ml है। सॉरी वहाँ पे कुछ और मेंशन था। ओके 180 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी, तभी तो मैं बोलूँ इतना दिन समय में यूज करे खत्म क्यों नहीं हो रहा। आई गेस 1000 इसका प्राइस था, मुझे कन्फर्म याद नहीं है बट आई गेस 1000 था। ओके सो यहाँ पे भी सब चीज़ें मेंशन है गाइज, यूज़ करने का तरीका एंड इंग्रेडिएंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ी सी गंदी हो गई है, बाकी मैं यहाँ से पढ़ के आप लोग को सब कुछ मेंशन कर देती हूँ। ओके तो बार बार गंदा हो जा रहा है, सॉरी। सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ये जो मैंने निकाला था, तो थोड़ी सी क्वान्टिटी इस पर गिरी थी तो लग गई। सो प्लीज़ डोंट माइंड गाइज, क्योंकि मैं वीडियो शूट करूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, यहाँ से गिर गया। ओके आप लोग देख सकते हो अभी ये कलर देने लगा है मेरे हाथों पर, कहाँ गया है। हाँ ये देखिए आप लोग, लाइव रिजल्ट दिखा रहे हो आप लोगों को। सो यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू यूज़ करने का यहाँ पे तरीका है, इस्तेमाल कैसे करें। बोतल पर लगे पंप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि पंप लगा है दो कलर दो में, मुहासे पर आपको दो छिद्र दिखाई देगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दो यहाँ पे होल है जो कि आप लोग को दिख रहा है, तो देंगे जो कि बोतल में पहली बार जब हम लोग यूज़ करते हैं तो आपको जैसे अचानक में कैसे मैंने यूज़ किया तो सिर्फ एक साइड से निकला, तो उसी तरह से एक साइड से ही निकलेगा। दो तीन बार जब हम लोग पंप को क्लियर करेंगे तो दोनों साइड से प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके फिर क्या करना है आपको यूज़ करने के लिए, आपको अपने बालों को गीला करना है। ओके एंड लाइक जैसे हम लोग कोई हेयर मास्क लगाते हैं तो आपको अपने बालों को धोना है लाइक सिर्फ वाटर से, उसके बाद थोड़ा सा ट्रॉली वगैरह लपेट लेना है ताकि एक्सेस वाटर उसमें रह जाए। उसके बाद गाइस इस प्रोडक्ट को लेके अपने दोनों से प्रोडक्ट आना चाहिए, नहीं तो कलर नहीं आएगा। तो ऐसे क्लिक करो एंड दोनों से प्रोडक्ट आए, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए होती है उतनी आपके हेयर लेंथ पे एंड जहाँ जहाँ पे भी आपको सटे हुए लाइक यहाँ से स्कैल्प से चिपके हुए बाल हैं उन सब पे अच्छे तरीके से आपको लगाना होगा। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट के लिए रखना होगा, उसके बाद आप वॉश कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे और भी चीज़ें मेंशन है कि आपको जब हेयर शैम्पू करना हो लाइक आपको जब हेयर कलर करना हो, ये शैम्पू भी है कंडीशनर भी है कलर भी है, लेकिन आप इसको नॉर्मल डे की तरह लाइक मुझे वीक में एक बार मान लो आप शैम्पू करते हो, नहीं वैसे तो दो बार लोग करते हैं लेकिन मान लो कि आपको एक दिन शैम्पू करना है एंड कंडीशनर, आपको हेयर कलर नहीं करना है, तो आप नॉर्मली एज अ शैम्पू एंड एज अ कंडीशनर इसको नहीं यूज़ कर सकते हो। जब आपको हेयर कलर करना होगा तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो वो शैम्पू का भी काम करेगा, हेयर कलर का भी काम करेगा एंड कंडीशनर का भी काम करेगा। आप सिर्फ इसको शैम्पू एंड कंडीशनर नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज ये कलर देता है। एंड गाइस यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है, केवल बाहरी उपयोग के लिए प्रोडक्ट है एंड आपको अपने पलकों और भावों को इससे कलर नहीं करना है, इसको इससे कलर नहीं करना है, इससे अंधापन होने का डर है एंड बच्चों से दूर रखने वाला प्रोडक्ट है गाइस। एंड अगर ये गलती से आपकी आंखों में चला जाए तो जल्दी से आपको ठंडे पानी से आपकी आंखों को जल्दी जल्दी क्लीन कर लेना है। ओके ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी एंड मैं आप लोग को बता देती हूँ गाइस, इसके साथ मुझे ग्लव्स भी मिले थे, तो दो ग्लव्स था, तो आपको यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन है कि आपको यूज़ करने से पहले ग्लव्स लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपके जो भी हैंड पे भी ब्लैक ब्लैक कलर आ सकता है। तो इसके साथ ग्लव्स था बट पता नहीं अभी कहीं गुम हो गया, मैंने जैसे आपको मेंशन किया कि बहुत पुरानी हो चुकी है तो इधर उधर कहीं हो गया है सो नहीं मिल रहा है मुझे। ओके एंड गाइस इसके साथ एक और भी प्रोडक्ट आया था जो कि शायद इसके साथ फ्री था, जो कि मैंने यूज़ किया गाइस, इतने बड़े स्प्रे बॉटल में था वो, मैंने उसको यूज़ कर लिया है बहुत पहले और वो बॉटल भी गुम हो चुकी है, इसलिए मेरा बताना काम है। सो गाइस इतने बड़े बॉटल में था वो एंड उसके अंदर क्या था, अनियन जिंजर हिबिस्कस का लाइक जूस था, मतलब जैसे ऑयल टाइप कैसा होता, बस एक्चुअली में वो ऑयल नहीं था, स्प्रे बॉटल था, उसमें वाटर की तरह निकलता था, उससे अनियन जिंजर एंड हिबिस्कस जो भी हमारे हेयर के लिए बेनिफिशियल होता है उसके स्मेल आ रही थी और उसको अपने हेयर पे स्प्रे करना था आफ्टर शैम्पू जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बिकॉज मेरी मम्मा उसको नहीं यूज़ करती थी तो मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगा था वो, तो वो एज अ नॉट ऑयल नहीं था वो, जैसे कैसे होता है हेयर पे स्प्रे करने वाला लाइक हम टोनर टॉनिक, तो उस तरह का वो टॉनिक था, इतना ही बड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था गाइस, उसमें अदरक जिंजर और भी बहुत से अदरक को भी जिंजर बोलते हैं, मतलब जिंजर अनियन ये सब चीज़ें का कुछ ऑयल कुछ कनेक्शन था। ओके जो कि सारी चीज़ें उस पर मेंशन थी मैं उसको नहीं दिखा पाई हूँ बिकॉज मैंने उसको यूज़ कर लिया है बहुत पहले, और यही था मेरा ऑनेस्ट वाला रिव्यू, मैंने सारी जानकारी इसके बारे में आप लोगों को दे दी है। होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ये वाला मेकअप लुक जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।